भावना करते जाओ, भावना ही फलदायिनी कहते हैं। अच्छी भावना रखो, पूरी भावना रखो। सागर जैसे प्यासे हैं ऐसे सब दमों भी प्यास वाला है बताते हैं, सागर भी प्यास वाला बताते हैं, जबलपुर भी प्यास वाला बताते हैं, अब कुछ लोग कहने के लिए कुंडलपुर भी प्यास वाला बताते हैं। सागर तो प्यास ठीक है, पहाड़ में क्या प्यास लगेगी? हाँ बेगमगंज भी सब लोग अपने अपनी बात कर दो, चलो सुन तो ले कम से कम। इससे स्पष्ट करो सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन लोगों सब लोगों को कहते हैं देख लेते हैं सुन लेते हैं। सबको सुनने तो सबकी पड़ेगी, सुननी सबकी, बोलो करने मन की फिर किसकी। ठीक है तो आप लोग पहले आपस में बातचीत कर लो, विचार विमर्श कर लो, निर्णय कर लो, जहां कहीं भी होगा तो एक ही स्थान पर होगा। अब जिसका भाग्य होगा उसके यहां होगा, सेंटर में। ठीक, आत्मा तो हमेशा हमेशा सेंटर में ही रहती है। हाँ, इसलिए आत्मा को याद करो, उसी में परमात्मा भी आ जाते हैं। आत्मा वही है जो परमात्मा बनने के योग्य है, इसलिए परमात्मा को देख करके हम अपने आत्मा को पहचानने के प्रयास पुरुषार्थ करें। इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ, और आप लोगों की यह भूख बढ़ती रहे ऐसी प्रार्थना भगवान से करता हूँ। है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।